हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 20 जुलाई 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे और यहाँ पे देखते हैं कि इस चार्ट में क्या हुआ आज के दिन। तो अगर आपके पास ये चार्ट जो है मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज मतलब फ्राइडे को क्या हुआ इस स्टॉक। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्राइडे को इसमें 2% का यहाँ पे डाउन साइड दिखा है और यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग हुए वो ये 3995.90 पे। तो क्या ये अभी ही और डाउन साइड यहाँ पे जारी रहेगा या फिर आपको कोई अपसाइड देखने मिल सकता है, उस बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले जाते हैं अपने वन डे के चार्ट पे। यहाँ पे वन डे का चार्ट जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये अपने 50 EMA से भी डाउनसाइड क्लोजिंग दिया है आज। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपसाइड देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या एंट्री लेवल आपके हो सकते हैं, फिर वहाँ से आपको कौन सा अपसाइड देखने मिल सकता है, कितने तक देखने मिल सकता है, उस बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं पे भी स्किप ना कीजिए। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ से लेनी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 3998 है यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग हुई है, उसके बाद यहाँ पे और डाउन साइड थोड़ा सा रह गया है। तो यहाँ पे कितना तक डाउन साइड रह गया उसके लिए देखने के लिए हमें अपने वन आर के चार्ट में जाना पड़ेगा। तो ये जो वन आर का चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे और कितना डाउन साइड जो है वो रह गया है और यहाँ पे और कितना जा सकता है मंडे के दिन। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो लाइन है जो 3970 का जो है वो इसका मेजर सपोर्ट बन सकता है मंडे के दिन, और यहाँ से आपको अपसाइड की मूवमेंट दिख सकती है। और ये जो अपसाइड की मूवमेंट है वो कहाँ तक दिख सकती है, उस बारे में हम बात करते हैं। जिसकी जो अपसाइड की मूवमेंट है वो आपको 4030 तक इजीली आपको मंडे को देखने मिल सकती है, अगर 3970 से इसका अपसाइड मूवमेंट या इसने सपोर्ट अच्छा ले लिया तो। जैसे यहाँ पे 3970 पे सपोर्ट लेता है, 4030 का आपका इजी जर्नी, इजी अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। अगर 3970 पे आप इजी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर क्या होगा अगर यहाँ पे ये जो है 3970 पे इस सस्टेन नहीं कर पाया और फिर डाउनसाइड मोमेंट दिया, अगर डाउनसाइड मोमेंट दिया तो यहाँ पे आपको 3911 का फिर नीचे साइड का आपको ईजिली जाने मिल सकता है, 3900 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आपको देख सकता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको अपनी जो है एंट्री लेनी है और उस हिसाब से आपको अपना ट्रेड लेना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो और एनालिसिस पसंद है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।